हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैशन ब्यूटी एंड ट्रेंड। आज जो मैं आपके लिए वीडियो में लेकर आई हूँ, मैं लाई हूँ हेयर पे मेहंदी कैसे लगाते हैं, हीना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने मेहंदी ली है, मैंने नेहा मेहंदी ली है। ये देखिए, ये नेहा मेहंदी बहुत ही हर्बल है एंड इसको लगाने से बाल बहुत ही साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है बालों पे, और ये बालों पे कलर भी ज़्यादा नहीं देती है बिकॉज ये हर्बल होती है। इसमें मेथी वगैरह सब मिला होता है, बट इसमें अपन सब इंक्लूड अपन भी करेंगे। ये मैंने मेहंदी ली है। अब मैं इसमें, ये मैंने दो बनाना पीसे थे मिक्सर में ग्राइंड कर लिए थे, अब मैं इसमें ये डालूंगी। इससे मेहंदी की क्वांटिटी भी अपन को पता लग जाएगा कि मेहंदी अपने मिक्स में कम है, अपने बालों के लिए ज़्यादा है। मैंने ये पूरा डाल दिया है इसमें। अब मैं इसमें ये मेथी पिसी हुई है जो अपन अचार में यूज़ करते हैं, मेथी ये पीली वाली, तो ये अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ 2 चम्मच। थोड़ा सा मैं इसमें आलमंड का ऑयल डाल रही हूँ। आलमंड का ऑयल अपन घर पे भी बना सकते हैं, बट मैं इसमें मार्केट वाला ही डाल रही हूँ। अपन घर में अपन घर में कढ़ाई में पैन में 5-6 बादाम पीस के उसमें देसी घी इंक्लूड करके उसको बादाम का घी घर पे बनाकर वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये इसमें ऑयल मैंने थोड़ा सा ही डाला है बिकॉज अगर ऑयल ज़्यादा बालों पे हो तो मेहंदी रचती नहीं है। 1-2 चम्मच में इसमें शहद की इंक्लूड करूंगी। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच मैं और डाल दूंगी इसमें। ये 2 चम्मच मेरा मैं और डाल रही हूँ शहद का। 1 चम्मच मैं ये चीनी भी इंक्लूड कर रही हूँ, चीनी से बालों में शाइनिंग आती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही हूँ। इसको अपन तब तक हिलाएंगे जब तक इसमें वो गांठे, मतलब थोड़ा सा गांठे नहीं बने। अपन इसको तब तक हिलाएंगे बिकॉज गांठे बनने के बाद मेहंदी अच्छी तरह बालों पे नहीं लगती है, इसलिए इसको एक ही डायरेक्शन की दिशा में लगाते रहेंगे। मेहंदी के जो लिक्विड पना है वो अपन ऐसे कहेंगे कि ऐसे अपनी मेहंदी हो जाए। अभी ये मैं मेहंदी अच्छी तरह एक ही डायरेक्शन में घोल रही हूँ और इससे अपन को मालूम हो जाएगा। मेहंदी को 2 घंटे मैं भिगोकर रखती हूँ, उसके बाद मैं बालों पे 2 घंटे लगाकर रखती हूँ, तो उससे बालों में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। आप चाहें तो 1 घंटा भिगोकर रख सकते हैं और 2 घंटे लगा सकते हैं। हेयर वॉश करने के बाद मैं शैम्पू से हेयर वॉश नहीं करूंगी बिकॉज सिंपल पानी से ही करूंगी, और इसके बाद मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ अपने फेस पे। सेकंड डे मैं शैम्पू से वॉश करती हूँ। आप चाहे तो मेहंदी लगाने से पहले 10-15 मिनट पहले इसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच दही के इंक्लूड कर सकते हो बिकॉज अकॉर्डिंग टू मेहंदी उससे बाल बहुत ही ज्यादा बालों को कंडीशनर मिलता है। दही बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी। बालों को अगर काला करना हो तो आप लोहे की कढ़ाई यूज कर सकते हैं, और मेहंदी 1 दिन पहले दूसरे दिन लगानी हो तो नाइट में पहले घोल सकते हैं, बट मैं सेम डे घोलती हूँ, सेम डे लगाती हूँ। मैं लोहे की कढ़ाई का बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे को कलर दे रहा है, मुझे बाल काले नहीं करते हैं। जैसा कि आजकल ट्रेंड में है बर्गंडी बाल, तो मैं प्लास्टिक के कोई भी पैन वगैरह ले लेती हूँ और उसको यूज करते हैं। देखिए अपनी मेहंदी घुल चुकी है, और अपन इस तरह थोड़ा सा इसमें पानी डालने की और नीड है, बट मैं पानी उसी टाइम डालूंगी जब मुझे लगानी होगी बिकॉज ज्यादा पतली नहीं हो जाए और बालों में ये निकलती नहीं रहे, इसलिए मैं इसको पानी उसी टाइम डालूंगी और बिल्कुल इसको एक ही डायरेक्शन की तरफ चलाती रहूंगी, तो उससे भी मेहंदी पतली हो जाएगी। तो प्लीज अगर आपको भी बालों में हीना करना हो तो आप भी इसी रेसिपी से बालों में हीना कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो प्लीज आप भी मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करो। आप भी इसी तरीके से मेहंदी बालों में हीना कर सकते हो जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं मेहंदी लगाने का तरीका भी बताऊंगी। ओके बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।